हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। इस वीडियो में देखते हैं गूगल शीट में हॉलीडे लिस्ट के साथ में डायनामिक कैलेंडर बनाना। जैसे ये 2027, 2030, ऐसे ये डायनामिकली चेंज होता ही रहेगा। अभी हॉलीडे लिस्ट ओनली 2024 के लिए है। हॉलीडे लिस्ट और भी ऐड करना हो तो यहाँ नीचे ऐड कर सकते हैं, देन यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली आते रहेंगे और यहाँ पे भी ये रेड कलर में हाईलाइट हो जाएंगे। चलिए इस डायनामिक कैलेंडर को बनाना देखते हैं। सबसे पहले एक ईयर का कॉलम बना लेंगे ड्रॉपडाउन के लिए और डेट एंड हॉलीडे या इवेंट के नेम यहाँ पे लिख देंगे। अभी ये 2024 के है और उससे आगे के डेट के लिए भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। एक न्यू शीट क्रिएट करते हैं, इसको इस साइड में कर लेते हैं और इसका नेम अभी कैलेंडर रख देते हैं और ए कॉलम से लेके एक्स कॉलम तक सेलेक्ट करके इनके कॉलम के विड्थ कम कर देंगे और यहां पे एल से एन तक सेलेक्ट करेंगे, देन मर्ज और इसका बैकग्राउंड कलर अभी ये ले लेते हैं, टेक्स्ट कलर व्हाइट। अभी मेनू को शो कर लेते हैं यहां पे क्लिक करके। अब यहां पे ड्रॉप डाउन से ईयर लेके आते हैं, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन एड रूल ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज और इसमें क्लिक करेंगे, देन ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ओके। एडवांस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देन एरो, ये डिस्प्ले स्टाइल एरो डन कर देंगे, को क्लोज। देखिए ईयर आ गए, अभी 2024 को सेलेक्ट करते हैं और इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 14 कर लेते हैं और बोल्ड और यहां ए से एक्स कॉलम तक अलाइनमेंट सेंटर वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल कर लेते हैं और यहां पे मंडे कर लेते हैं क्योंकि इंडिया में मंडे से स्टार्ट डेट होता है, मंडे टू संडे। और यहां से यहां तक इनको सबको बोल्ड कर देते हैं और इनको सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर ये रख लेते हैं, अभी टेक्स्ट कलर व्हाइट और यहां से यहां तक मर्ज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ये रख लेते हैं, अभी टेक्स्ट कलर व्हाइट। 1 2 3 4 5 6 यहां तक बॉर्डर कलर ये रख लेते हैं, देन ऑल बॉर्डर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और संडे के लिए बैकग्राउंड कलर रेड। अब यहां पे मंथ का नेम लेके आते हैं, इस ईयर का सेल रेफरेंस लेके यहां पे मंथ लेके आएंगे, यानी कि एक्चुअल में डेट होगा उसके लिए इज इक्वल टू डेट, डेट में ईयर L2, इसको फ्रीज कर लेते हैं, F4 कॉमा मंथ जनवरी के लिए फर्स्ट कॉमा डे के लिए 1 एंटर करते हैं। ये फर्स्ट जनवरी
2024 हो गया, इसके साथ इस सेल रेफरेंस के साथ में अगर 26 होगा, यहाँ पे भी 26 होगा, 24 होगा तो 24। अब इसको फॉर्मेट में जाके कस्टम नंबर फॉर्मेट, देन यहाँ पे ये 4 times M टाइप कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे। देखिए ये जनवरी में आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू सीक्वेंस रो में 6, कॉमा कॉलम में 7, कॉमा कहां से स्टार्ट करना है, पहले 1 कर लेते हैं अभी, ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए हमने 1 से स्टार्ट करा, अब हमें 1 से स्टार्ट ना करके 1 January से स्टार्ट करेंगे, 1 की जगह इस सेल का रेफरेंस ले लेंगे। देखिए ये सारे डेटा आ गए, इनका फॉर्मेट भी चेंज कर लेते हैं, फॉर्मेट नंबर कस्टम नंबर फॉर्मेट और यहां पे डी कर लेंगे, ओनली डे चाहिए हमें, देन अप्लाई। किसी भी मंथ का फर्स्ट डेट मंडे में हो जरूरी नहीं है, उसके लिए यहां पे माइनस वीकडे बिफोर कॉमा वीक शुरू हो रहा मंडे से, इसलिए यहां पे 2 करेंगे, अगर संडे से होगा तो 1 करेंगे, मंडे के लिए 2, मंडे से स्टार्ट है, देन यहां पे 2 प्लस 1 कर देंगे ताकि एग्जैक्ट डेट आ जाए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसमें 12 मंथ के लिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 3, और इन तीनों को कॉपी करके एक लाइन छोड़ के यहां पे पेस्ट कर देंगे, सेम यहां पे भी पेस्ट करेंगे, एक बार और पेस्ट करेंगे, इन तीनों कॉलम का विड्थ और कम कर लेते हैं, जनवरी हो गया। उसके बाद यहां पे फॉर्मूले में मंथ में चेंज करते रहेंगे, 2, 3, ऐसी सारे मंथ में चेंज कर देंगे। सारे मंथ के नेम चेंज कर लिए। अब यहां पे 2 कॉलम और इंसर्ट करते हैं राइट साइड में, और यहां पे डेट इवेंट्स / फेस्टिवल्स कर देते हैं अभी, और इन दोनों का अलाइनमेंट सेंटर, वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल। अब यहां पे फॉर्मूले से ये डेट और हॉलीडे के नेम लेके आते हैं, इज इक्वल टू फिल्टर रेंज में C1 से लेके D कंप्लीट कर लेते हैं, कॉमा ईयर कंडीशन में ईयर सी कॉलम इज इक्वल टू ये, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी केवल 2024 की लिस्ट है, चाहे तो बाकी ईयर के लिए भी ऐड कर सकते हैं, इसको कट करके एक नीचे ले जाते हैं और इनको सेलेक्ट करके
देन फॉर्मेट, देन कन्वर्ट टू टेबल, इसमें क्लिक करेंगे। और इसका रीनेम कर देंगे हॉलीडे लिस्ट, और टेबल का कलर ये रख लेते हैं, और इस कॉलम का वेट भी कम कर लेते हैं। किसी भी मंथ में ये एक्स्ट्रा मंथ भी आ रहे हैं, ये जनवरी के, देन इसके बाद ये मार्च के भी आ गए, तो इनको फॉर्मेटिंग से डिफरेंट कलर देते हैं। उसके लिए सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मूला इज इक्वल टू मंथ, ये B6 नॉट इक्वल टू B4 मंथ B4, और B4 को ये एक ही जगह है, और इसको फिक्स करना होगा, डॉलर से फ्रीज कर देंगे, डॉलर। और बैकग्राउंड कलर नन, टेक्स्ट कलर ये कर लेते हैं अभी, देन डन कर देंगे। अब इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, इसको कैंसिल, सेम प्रोसेस सारे मंथ के लिए अप्लाई करेंगे। एड अनदर रूल, कस्टम फॉर्मूला इज, और उस फॉर्मूले को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, देन यहाँ पे बी की जगह जे हो जाएगा, J6 and J4। बैकग्राउंड कलर नन और टेक्स्ट कलर ग्रे। सारे 12 मंथ के लिए अप्लाई करना होगा ये। और यहाँ पे P15 नॉट इक्वल टू B13। ये सारे मंथ में अप्लाई कर दिया। अब ये ग्रिड लाइन हटा देते हैं। उसके लिए व्यू में जाएंगे, सो ग्रिड लाइंस। अब संडे के लिए टेक्स्ट कलर रेड कर लेते हैं। सारे मंथ में अप्लाई कर देते हैं। सारे मंथ में संडे हाईलाइट हो गया, और सारे मंथ में जो भी इवेंट है उन डेट को भी हाईलाइट करते हैं। पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू काउंट इफ्स, क्राइटेरिया रेंज यहां से लेके कंप्लीट रेंज, इसको फ्रीज करते हैं F4 कॉमा, इन डेट में से ये सारे डेट है या नहीं वो पता लगाएंगे, ग्रेटर देन जीरो करते हैं। अब इसको कॉपी करते हैं,
इसको डिलीट करते हैं और सेलेक्ट फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एड अनदर रूल, कस्टम फॉर्मूलाइज, और उस फॉर्मूले को यहां पे पेस्ट कर देंगे। बैकग्राउंड कलर नन करते हैं और टेक्स्ट कलर रेड, डन। देखिए 15 जन को है और 26 हाईलाइट हो गए। सेम चीज सारे में रिपीट कर देंगे, फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एड अनदर रूल, कस्टम फॉर्मूलाइज, और यहां पे हो जाएगा J6, B की जगह J6, बैकग्राउंड कलर नन, फॉन्ट कलर रेड, डन। इसको भी सेलेक्ट करते हैं, कस्टम फॉर्मूलाइज, और यहां पे पेस्ट कर देंगे। यहां पे हो जाएगा R, नन, रेड, डन। अब यहां पे हो जाएगा B15, डन। सेम चीज सारे में रिपीट करते हैं। सारे मंथ में इवेंट या हॉलीडे को भी हाईलाइट कर दिया। चेक कर लेते हैं, फेब में 14 फेब को, 8th मार्च, 25th मार्च, 25th मार्च, और इस सीट में कुछ डेट लिखते हैं 2025 के लिए। और यहां पे देखते हैं 2025, ये देखिए 4th जनवरी में हाईलाइट हो गया।